सलमान खान और ऐश्वर्या राय के क्लोज रिलेशन के हवाले से पूरे सोशल मीडिया पर मच गई है धमाल। हर कोई सलमान खान और ऐश्वर्या राय के रिलेशन के हवाले से है परेशान। सलमान खान और ऐश्वर्या राय के क्लोज रिलेशन की हकीकत क्या है? क्यों बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सभी हसीनाएं सलमान खान और ऐश्वर्या राय के क्लोज रिलेशन से हैं डिस्टर्ब? क्या सलमान खान वाकई ही ऐश्वर्या राय के साथ शादी करने जा रहे हैं? क्यों रश्मिका मंदाना सलमान खान और ऐश्वर्या राय के क्लोज रिलेशन से परेशान हैं? क्या रश्मिका मंदाना सलमान खान को अपनाना चाहती हैं और सलमान खान को पसंद करती हैं और उनके साथ शादी करना चाहती हैं? इस हवाले से सारी बात जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको मुकम्मल मालूमात मिल सके। अगर चैनल पर पहली मरतबा हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं सलमान खान इन दिनों ऐश्वर्या राय के साथ क्लोज रिलेशन में हैं, उनके साथ बहुत ज़्यादा वायरल हैं। ऐश्वर्या राय भी अभिषेक बच्चन को छोड़कर सलमान खान के साथ बहुत ज़्यादा सपोर्ट की जाती हैं और सलमान खान के साथ बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आती हैं। कोई भी इवेंट हो, कोई भी शो हो, दोनों को एक साथ सपोर्ट किया जाता है। इसी हवाले से रश्मिका मंदाना बहुत डिस्टर्ब हैं क्योंकि रश्मिका मंदाना किसी सूरत भी ऐश्वर्या राय को पसंद नहीं करती। रश्मिका मंदाना का कहना है कि ऐश्वर्या राय को चाहे कि अपनी असली बसली ज़िंदगी फिर से गुजारें और सलमान खान का पीछा छोड़ दें। सलमान खान 58 साल के हो चुके हैं, अगर उन्हें शादी करनी आती तो बहुत पहले उनके साथ कर चुके होते, इसलिए ऐश्वर्या राय के लिए बेहतर है कि वो अपना घर बसाएँ और अपनी बच्ची को टाइम दें। यही वजह है कि जब सलमान खान और ऐश्वर्या राय का क्लोज रिलेशन हर तरफ वायरल हुआ तो पूरे सोशल मीडिया पर धूम मच गई और पूरे सोशल मीडिया में ये अफवाहें बहुत ज़्यादा फैलाई जा रही हैं कि सलमान खान अब बहुत जल्द ऐश्वर्या के साथ शादी कर लेंगे। तो फ्रेंड, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि इसमें कितनी हकीकत है और ये कहां तक सच साबित होता है। इस हवाले से आपकी क्या राय है, आपकी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।